हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। तो आज जो है वो सैटरडे का दिन है और हम जो है अभी काम पे जा रहे हैं। तो आज ऐसा सीन था कि जो मेरा शिफ्ट था वो सैफ के साथ था। वैसे जो मेरा 10 बजे शुरू होता था तो मुझे जो है वो जल्दी आना पड़ता था, और सैफ को 12 बजे। तो आज हम दोनों का साथ ही जो है सैटरडे संडे साथ ही काम होगा, और जो मतलब के ख़त्म होगा शिफ्ट वो भी सेम ही होगा 8 बजे। तो आज ये है कि दिन भी सनी है और लगता है कि वहाँ पे रेस्टोरेंट पे ज़्यादा जो है वो ऑर्डर्स आएंगे, और जो है आज का दिन बिजी होने वाला है। तो चलो वहाँ पे देखते हैं कि क्या कैसा दिन गुजरता है। जो यूजुअली ये होता है कि जहाँ पे हम काम करते हैं उसका जो मतलब रेस्टोरेंट है, मोस्ट ऑफ द पार्ट डिपेंड करता है वेदर पे। जब क्योंकि उनका जो है ना आउटसाइड का सेटअप है, जब बारिश होती है तो वहाँ पे इतने लोग नहीं आते हैं। इनसाइड थोड़ा बहुत है उनके जो है ना, बाकी मोस्ट ऑफ द पार्ट आउटसाइड है। तो आज सनी डे है, बाकी ये है कि लोग आएंगे जो कि हमें लगता है ज़्यादा, तो पता चलेगा जब जो है हम उधर जाएंगे। बाकी सुबह का कुछ कह नहीं सकते, बाकी मंडे पे चांसेस हैं कि लोग ज़्यादा आएंगे क्योंकि यहाँ इनकी जो है हॉलीडे है मंडे को। तो मंडे को जैसे एक बार फ्राइडे को पब्लिक हॉलीडे हुआ था, उस पर बहुत दबा के जो है ना यहाँ पे ऑर्डर्स आए थे और बहुत काम था। बाकी मंडे के पर भी यही एक्सपेक्टेशंस हैं। जो लोग रेस्टोरेंट पे काम करते हैं तो उनको पता होगा कि जो वीकेंड्स हैं फ्राइडे सैटरडे संडे को ज़्यादा होते हैं ऑर्डर्स, और जो अगर पब्लिक हॉलीडे आ जाता है और सनी डे हो तो फिर तो और जो है ना लोग ज़्यादा निकलते हैं बाहर। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी था कि जो लड़के वापस गए हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और जिनको वापस आना है और उनको अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वैसे हमने और भी वीडियोस बनाई हैं यूनिवर्सिटीज से कांटेक्ट करके, पर एक और है, मे बी आपको पता हो या ना हो, स्टिपेंडियम हंगरी कॉम स्कॉलरशिप के नाम से एक स्कॉलरशिप है। जो लड़के पाकिस्तान में हैं वो तो मतलब यूजुअली देते रहते हैं हर साल, वो स्कॉलरशिप जो है हंगरी वाले अनाउंस करते हैं। पर ये जो है खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि एक स्कॉलरशिप है स्टिपेंडियम हंगरी कॉम स्कॉलरशिप, ये तो हर साल आता रहता है, पर इस साल इन लोगों ने सर्टेनली स्पेशली अनाउंस किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आप अगर अपने कंट्री वापस चले गए थे आप उसमें जो है अप्लाई कर सकते हो। और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं अगर उनको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है तो उनके लिए ये भी अपॉर्चुनिटी है कि वो जो है वो स्टिपेंडियम हंगरी कॉम स्कॉलरशिप में जो है ना वो अप्लाई करें। हंगरी की जो गवर्नमेंट है वो उनकी जो है एग्रीमेंट है कुछ कंट्रीज़ के साथ, वहाँ के स्टूडेंट्स को वो लोग बुलाते हैं हुकूमत के खर्चे पर, और फिर वो वहाँ आके हंगरी में पढ़ते हैं। तो अभी जो जो यूक्रेन से आए हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो यूरोप में हैं इधर हैं या वो चाहे पाकिस्तान में वापस चले गए हैं, उनके पास ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो स्टिपेंडियम हंगरी कॉम स्कॉलरशिप में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए है कि उसमें फिर आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी पड़ती है, अगर आप चाहे तो यूनिवर्सिटी से जो है सेपरेटली भी बात कर सकते हैं और उन्हें बोले कि हमें एडमिशन चाहिए स्टिपेंडियम के थ्रू, तो वो जो है आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। उसके अलावा स्टिपेंडियम का अपना भी ऑफिशियल जो है पेज है, ये तो पहले जो है उन लोगों ने अनाउंस किया था, पर आप जो है अभी भी उनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और एज सून एज पॉसिबल कॉन्टेक्ट अगर आप करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि उनके लिमिटेड मतलब के सीट्स होती हैं हर यूनिवर्सिटी में। और जैसे ही आप उनसे कॉन्टेक्ट करोगे, मतलब जितना भी आपका जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा तो उतना ही जो है ना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके पास जैसे मैंने कहा ना लिमिटेड सीट्स हैं। तो ये एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो लड़के वहाँ पे अभी पाकिस्तान या इंडिया वापस गए हैं उनको बस यही मसला है कि वो निकलना चाहते हैं किसी भी तरह, तो उनके पास और भी जैसे यूनिवर्सिटीज एडमिशन दे रही थी, पर ये भी आपके पास जो है ना एक अपॉर्चुनिटी है। मतलब अगर आप एज सून एज पॉसिबल इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हो तो जो ये जो है ग्रेट हो जाएगा। तो गाइस अभी जो है वो रात के 8 बजे हुए हैं और हमारा जो काम था वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि वो 12 से 8 बजे तक था। अभी हम जा रहे हैं और 9 बजे जो है वो हमें एनी हाउ बस को, मतलब बस वहाँ स्टेशन पे आती है, एनी हाउ जो हमें वहाँ पे पहुँचना है।
और अगर हम नहीं पहुंच पाए 9 बजे तक तो फिर जो है वो 5 किलोमीटर की वॉक करनी पड़ेगी, जो कि मतलब के 1 घंटा लगता है। दैट इज़ रियली नॉट गोइंग टू बी गुड, क्योंकि आप काम करते हो उसके बाद फिर आपको 1 घंटा पैदल चलना पड़ता है। इसलिए हम भी जल्दी जा रहे हैं ताकि जो है वो बस छूट ना जाए। और उसके अलावा ये था जो स्कॉलरशिप है, एज सून एज पॉसिबल जो भी लड़के इंटरेस्टेड हैं वो जो है अप्लाई करें, और ख़ास करके जो मेडिसिन वाले लड़के हैं ना, जो लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स जो भी हैं, वो लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि मेडिसिन तो सबको पता है कि वे बाहर ममालिक में, यूरोप में या कहीं पर भी जो है वो एक्सपेंसिव होती है। बाकी आप जो है वो इस स्कॉलरशिप के थ्रू जो है वो पढ़ सकते हो, हंगरी में फुली फंडे वो आपको हर चीज़ देते हैं, आपको खाना पीना रहना ट्रांसपोर्ट और स्टिपेंडियम देते हैं, सारी चीज़ें जो है ना वो उस स्कॉलरशिप में इंक्लूड है। तो आज की वीडियो के लिए यही था, जो भी सारी चीज़ें थी, जो भी लड़के पाकिस्तान वापस जा चुके हैं या इंडिया वापस जा चुके हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही गोल्डन चांस है कि इस स्कॉलरशिप में वो अप्लाई करें। और बाकी अभी चलते हैं जल्दी जल्दी हम स्टेशन और मेट्रो पकड़ें, तो बाकी जो है कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में।